नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएचयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, वर्गमूल से संबंधित कुछ समस्याएं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हमेशा आती रहती है। देखो तो इस प्रकार के जो कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो सारे के सारे दरअसल दूर भागते हैं। देखो तो आपको इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इस संबंधित कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। अब इस प्रकार देखो, रूट में संख्या, रूट में वाई दिया गया है, रूट में केवल संख्या दी गई है, तो आपको क्या कैसे करना चाहिए, इनको कैसे हल करना चाहिए, कैसे गुणा गुणा भाग में दी गई है या जोड़ बाकी में कैसे दी गई है, तो उनको कैसे हल किया जाता है। देखो तो शुरू अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले एक नंबर में लिखा गया है रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। अब ये देखो, संख्या जुड़ती कब है, जब रूट में संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहां देखो x है और यहां रूट वाई है, संख्या समान ही है, समान है, इसका ये दोनों संख्या आपस में नहीं जुड़ेगी। देखो संख्या जुड़ने का यही नियम होता है कि दोनों में क्या होनी, रूट में जो संख्या है वो संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन यहां देखो संख्या समान नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगी। इसका उत्तर जैसा है वैसा उत्तर लिख दिया जाएगा। इसका इसका उत्तर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये इसका उत्तर है। दो नंबर देखते हैं, देखो रूट एक्स प्लस दो रूट एक्स दिया गया है। इसमें देखते हैं रूट में संख्याएं दोनों समान है, दोनों संख्याएं क्या है, समान है, जुड़ सकती है। ये देखो कैसे जुड़ेगी, इसके गुणा में क्या मान लेते हैं, देखो एक मान सकते हैं। ये देखो दो और एक तीन हो गए, तीन और यार एक दो आ गए रूट एक्स, इसका मान आ जाएगा तीन रूट एक्स आ जाएगा। यानी यह रूट की संख्या है वैसी की वैसी लिख जाएगी, इनके जो गुणा के वो जुड़ेंगे, देखो दो और एक क्या हो जाएंगे, तीन रूट एक्स आ जाएंगे। जिस प्रकार बीजीय संख्या जुड़ती है, आप देखते हैं, देखो बीजीय संख्या में होता है x प्लस एक्स क्या होता है, देखो टू एक्स होता है, ठीक है। तीन एक्स प्लस चार एक्स क्या होता है, सात एक्स होता है। यहाँ क्या होती है, देखो x अपनी जगह आ रहा है, जुड़ क्या आ रहा है, केवल उनके गुणांक जुड़ रहे हैं। देखो वही बात है, यहाँ पर केवल गुणांक जुड़ेंगे और वो संख्या वैसी की वैसी, यानी रूट अपनी जगह आ जाएगा और दो एक क्या हो जाएगा, तीन आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ रूट वाई है और यहाँ क्या है, रूट वाई, ये दो जुड़ेंगे, बाकी ये रूट एक्स नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये संख्या अलग आई, यहाँ देखो रूट वाई है और यहाँ रूट वाई रूट एक्स है, ये नहीं जुड़ेगा, ये अपनी जगह वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखो इसके गुणा में एक मान सकते हैं हम, ये एक और दो तीन हो गए, तो मान आ जाएगा तीन रूट वाई, तीन रूट वाई प्लस दो रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो रूट वाई है, यहाँ रूट वाई, रूट में संख्या समान है, जुड़ जाएगी ये, यानी ये आ जाएगा तीन रूट वाई और प्लस दो रूट एक्स, इस प्रकार जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं चार नंबर, देखो चार नंबर में देखो यहाँ सब में देखो रूट आया हुआ है, देखो सब में रूट वाई रूट आया हुआ है, तो ये आगे जुड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखो तो क्या कर दो, पहले आप प्लस की संख्या को पहले जोड़ दो और घटाने का काम बाद में कर दो, क्यों संख्या छोटी संख्या माइनस की है, संख्या बड़ी प्लस की है, तो पहले आप प्लस को जोड़ दो। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो चार और एक, ये से गुणा एक मान सकते हैं, ये पांच रूट वाई आ जाएगा, पांच रूट वाई और माइनस दो रूट वाई। अब घटा लो क्या बचाएगा, देखो तीन रूट वाई बचाएगा, इसका मान हो गया तीन रूट वाई हो गया। अब इसके बाद में आगे वाला पांच नंबर देखते हैं, देखो पांच नंबर में सब संख्या देखो रूट एक्स मारी हुई, देखो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, संख्या समान है रूट में, तो जोड़ सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो तीन और चार सात हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सात रूट एक्स माइनस दो रूट एक्स, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, देखो सात में से घटा दो, मान आ जाएगा पांच रूट एक्स आ जाएगा। यहां तक तो यह जोड़ने घटाने काम हो गया। अब अगर देखो संख्या बड़ी माइनस किया जाती है, जिस प्रकार देख सकते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ ये संख्या माइनस किया जाए, ठीक है, और ये संख्या क्या आ जाए प्लस किया जाए, तब क्या होगा, देखो तब ये तीन और दो जुड़ जाएंगे, पांच हो जाएंगे, यहाँ बनेगा पांच रूट एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो माइनस का ये देखो हो गया तीन रूट एक्स और दो रूट एक्स, पांच रूट एक्स आ जाएगा, इसमें से घटेंगे चार रूट एक्स, तो वहां क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस का ही बचेगा। अब माइनस का कब बचेगा, देखो ये मान लिया जाए ये संख्या क्या है, देखो ये संख्या दो संख्या माइनस की है, जुड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा, देखो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहां हो जाएगा मान लिया जाए संख्या दो माइनस किया जाए, तो उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो ये माइनस का चार रूट एक्स है और माइनस का दो रूट, ये दो संख्या देखो बड़ी है माइनस वाली, तो पहले इनको जोड़ दो आप, यह आ जाएगा माइनस का छह रूट एक्स है और आगे प्लस का क्या है, देखो तीन रूट एक्स है। अब घटाएंगे, देखो छह में से घटेगा तीन, तीन ही बचेगा, उत्तर तीन रूट एक्स आएगा, लेकिन अब किसका आ गया, देखो माइनस का, माइनस से क्यों आ रहा है, क्योंकि संख्या बड़ी किसकी है, माइनस की है,
इस प्रकार माइनस प्लस का भी आप ध्यान रखोगे। देखो घटा रहे हैं, संख्या बड़ी माइनस की है, उत्तर हमेशा किस में आएंगे, देखो माइनस में आएंगे। घटा रहे हैं, संख्या बड़ी प्लस की है, हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। देखो यहां घटाया, देखो आपने जैसे 5√y है, दूर घटाया, देखो यहां संख्या बड़ी प्लस की बड़ी है, लेकिन घटाया जाए गया है तो उत्तर किस में आएंगे, बाद में प्लस है। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि संख्या बड़ी प्लस की है, 5√y है, ठीक है, 5 बड़ी है और 3 क्या है, 2 छोटी है। आगे और देखते हैं, देखो 6 नंबर है, ये देखो जोड़ और बाकी का नियम ये होता है। जोड़ना घटाना काम कब होता है, जब रूट में क्या संख्या होती है, समान होती है, समान होती है जोड़ सकते हो, समान नहीं होती आप नहीं जोड़ सकते हो, जान करना ये बात। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो आगे ये दो संख्या है, गुणा करने का तरीका कैसे होता है, गुणा करने में गुणा करने का तरीका ये होता है कि 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा, 12 लिख दिया। अब रूट लगा दो आगे, रूट में क्या कर दोगे, एक्स को एक्स से गुणा कर दो, ये आ जाएगा एक्स की घात क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, एक बात ध्यान करना, देखो इस घात 2 को रूट से काट भी सकते हैं, घात 2 को रूट से क्यों काटते हैं, देखो इधर रूट एक्स का अर्थ क्या होता है, रूट एक्स का अर्थ है एक्स की कितनी घात है, देखो आधी घात है, क्या घात है, एक्स की घात आधी घात है, रूट एक्स का ये अर्थ होता है उसकी आधी घात है, ठीक है। और इस पर देखो स्क्वायर, इसका अगर घात और 2 लगा दें, घात 2 लगा दें, ये मान आ जाएगा x की घात 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो मान क्या बजेगा, देखो x बजेगा, घात पर घात है, घाते हमेशा गुणा होती है, 1/2 को 2 से गुणा करेंगे या 2 से 2 कट गया तो x की घात 1 यानी मान x बचेगा, यहाँ काट दो तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, देखो उत्तर आ जाएगा इसका 12, x उत्तर आ जाएगा। तो इसमें तो क्या देखो, रूट एक्स समान संख्या थी, गुणा करने में हो गया एक्स की घात 2 बन गया, तो आगे काट भी सकते हैं तो मान 12x आ गया। आगे ये कैसे करेंगे, देखो इसमें भी 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा, यहाँ देखो क्या होगा, रूट में से क्या लिख देंगे, अगली बार x से x गुणा करें क्या आ जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ मान आ जाएगा 12√xy आ जाएगा, देखा यहाँ रूट एक्स रूट वाई गुणा होगा रूट एक्स वाई तो मान आ जाएगा 12√xy आ जाएगा। आगे ये देखते हैं, देखो इसमें देखो 4 से 3 को 4 गुणा 3 से किया ये हो जाएगा 12, इसमें देखो एक में रूट है एक में रूट नहीं है, नहीं है तो इसको वैसे से वैसा रख दो, यहाँ देखो यहाँ रूट एक्स आ जाएगा और आगे यहाँ आ जाएगा एक्स, इसको आगे भी हल कर सकते हो, आप कैसे हल करोगे, यहाँ 12 है और यहाँ आपको यहाँ कितनी घात आधी घात है तो यहाँ क्या लगा दो 1/2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दो एक्स की घात 1 लगा दो, लगा सकते हैं। अब एक बात ध्यान करना, तो यहाँ देखो आधार एक्स है और घात क्या है 1/2, आधार एक्स है घात क्या है 1 है, यहाँ दोनों में आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार समान है तो और बीच में गुणा का चिन्ह है तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहां माना जाएगा 12 की घात क्या बन जाएगा, x की घात 3/2, यानी आधी घात में जोड़ेंगे एक तो डेढ़ घात यानी 3/2 हो जाएगी। यहां देख सकते हैं रूट एक्स को क्या लिख दिया मैंने, x की घात 1/2 रख दिया, x की घात 1 रख दिया, यहां देखो दोनों में आधा समान है, x है x है, गुणा और बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया आधा समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, x की घात क्या कर देंगे 1/2 में 1 जोड़ देंगे, मान आ जाएगा 12x की घात 3/2, इस प्रकार कर सकते हैं। देखो आगे 9 देखते हैं, देखो आगे 9 में क्या दे रखा है, देखो गुणा दिया गया है 3 × 2 × 2, मान क्या आ जाएगा, देखो मान आ जाएगा 12, मान क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और यहां देखो एक बात ध्यान, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करेंगे तो अभी बताया है क्या आ जाएगा, देखो रूट एक्स की घात क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, रूट एक्स क्या आ जाएगा यानी रूट के अंदर संख्या गुणा हो जाएगी, रूट निकल गया संख्या गुणा आपस में। अब आपको यहां काटा देखो पीछे काटा देखो यहां उसी प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहां केवल एक्स बचेगा, यानी रूट एक्स क्या होता है हमेशा एक्स होता है, रूट एक्स क्या होता है एक्स, एक्स को और एक्स से गुणा करेंगे यहां हो जाएगा एक्स की घात क्या बन जाएगी 2, एक्स इंटू एक्स, यहाँ घात 1 है यहाँ घात 1 है दोनों में देखो आधार समान है, ये देखो आधार एक्स है घात 1 है, आधार एक्स है घात 1 है दोनों में आधार समान है तो बीच में गुणा का चिन्ह है तो माना जाएगा एक्स की घात 1/1 माना जाएगा एक्स की घात 2, ये उत्तर आ गया 12x की घात 2, कर सकते हैं इस प्रकार। यानी यहाँ क्या किया, देखो 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, रूट एक्स एक्स, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स की घात 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो यहां क्या लिखा, देखो यहां लिखा है 5√x और भाग 2√x, यहां क्या होगा, देखो रूट एक्स या रूट एक्स कट जाएगा और मान बचेगा 5/2, ये कैसे घटता है, देखो ऊपर भी x की घात
आदि है, होने से भी घात क्या देखो आदि है, ठीक है। अब गुणा में तो घातें जुड़ती यादाश माने तो भाग में घातें घटे ही जाती है, तो यहाँ हो जाएगा देखो x की घात एक बट्टा दो में से घटाएंगे एक बट्टा दो कट जाएगा, यानी x की मान जीरो, और जीरो का मान क्या होता है कोई संख्या की घात जीरो है उसका मान हमेशा क्या प्राप्त होता है एक प्राप्त होता है, तो पांच बट्टा दो इंटू एक आ जाएगा पांच बट्टा दो, इसलिए क्या कर दो आप सीधे रूट एक्स रूट कट गया तो मान आ जाएगा पांच बट्टे दो आ जाएगा। ये देखते हैं देखो आगे दस रूट एक्स बट्टे दो रूट वन, तो यहां देखो ये संख्या आपकी अलग अलग है तो ये कितनी घटेगी ऊपर रूट एक्स नहीं रूट वाई है नीचे इनके आधा समान ही है उन्हीं घटेंगे ये, यानी कटने का अर्थ है आपस में घटाने का तरीका होता है घटा करके उत्तर निकाला जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहां देखो आधार दोनों अलग अलग है तो घटाने का काम अगली बार नहीं होगा, ये संख्या जैसी वैसी आ जाएगी दस में दो का भाग, दस में दो का भाग दीजिए पांच रूट एक्स बट्टे रूट वाई, ये क्या होगा देखो इसका आंसर आ जाएगा, तो मान आ गया पांच रूट एक्स बट्टे रूट वाई। इसके बाद में आगे और कर रहे हैं देखो आगे वाला क्या दिया गया है इसमें, इसमें देखो पहले पहले करना आपको गुणा, ठीक है। अगर यहां देखो माइनस चिन्ह और गुणा दिया गया तो पहले क्या करते हैं हम गुणा का चिन्ह सल करते हैं, सबसे पहले अगर भाग का दिया होता तो भाग करते हैं, भाग के बाद में गुणा करते हैं और गुणा के बाद में जोड़ बाकी का दोनों में अच्छा लग रहा है हल कर सकते हैं देखो, ठीक है। अगर आपके सामने चार चिन्ह दिए गए देखो भाग का भी चिन्ह दिया गया है उसमें गुणा का चिन्ह दिया गया है प्लस माइनस चारों चिन्ह दिए गए हैं, कोई प्रश्न ऐसा आ गया आपके सामने अगर उसमें चारों चिन्ह दिए गए हैं भाग का दिया है गुणा का दिया है प्लस माइनस का सारा दिया गया है तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या कर दो उसको भाग को आप सरल कर दो, जैसे ही भाग को सरल किया है भाग के बाद में क्या कर दो आप सीधे गुणा को सरल कर दो, दो नंबर में एक नंबर में भाग को सरल कर दिया दो में गुणा को सरल कर दिया अब तीन नंबर में जो अच्छा लगता है कर सकते हो दोनों में से एक को, ठीक है, चाहे पहले जोड़ दो चाहे पहले घटा दो, तो भाग गुणा का तरीका ये होता है। तो यहां पहले क्या करेंगे देखो पहले करेंगे गुणा, ये अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सात रूट एक्स सात गुणा होगा ये क्या जाए गुण पचास एक्स, क्या जाएगा गुण पचास एक्स, यहाँ पीछे किया देखो रूट एक्स एक्स होता है एक्स लिख दिया है सात इंटू सात गुण पचास होता है, यहां तक सही है इसको आगे भी कर सकते हैं देखो आगे कर सकते हैं इसमें रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं देखो बाहर क्या ले सकते हैं रूट एक्स कॉमन, कॉमन कैसे लिखेंगे देखो यहाँ देखो रूट एक्स बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा चार, रूट एक्स को मैंने बाहर रख दिया, कॉमन का अर्थ क्या होना है आपको जो संख्या दोनों मिल रही है दोनों में है क्या कर दो उसको कोष्ठक के बाहर रख दो एक बार रख दो उसको एक बार रख दिया है, अब यहाँ देखो रूट एक्स को बाहर रख दिया तो यहाँ आपके चार बचा है और माइनस या गुण पचास बचा है, अब एक्स का अर्थ क्या होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स दो बार था उसमें से ए रूट एक्स बाहर आ गया है तो पीछे क्या बचेगा केवल रूट एक्स बचेगा, तो मान आ गया चार माइनस गुण पचास रूट एक्स, ये उत्तर आ गया। अब आगे देखो ये प्रश्न दिया गया आपके सामने रूट एक्स रूट तीन प्लस वाई रूट तीन, ठीक है। अब आपको जाने के रूट में समान संख्या है तो हमेशा जान जुड़ सकती है देखो यहां जोड़ा देखो सबसे पहले जोड़ा देखो तीन होता है यहां देखो या क्या लिखा देखो आगे यहां पर भी जोड़ा गया है लेकिन यहां नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यह संख्या एक्स और वाई आई है, तो क्या कर दोगे आप इसमें से रूट तीन क्या ले लो रूट तीन को ले लो बाहर तो यहां क्या बचेगा देखो यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा वाई तो रूट तीन और आगे बच गया एक्स प्लस वाई जुड़ सकता है रूट तीन, अगर यहां रूट में संख्या समान आई हुई है तो रूट एक्स और वाई को जोड़ सकते हैं लेकिन ये दोनों बीजीय संख्या है इनका जुड़ने का नियम नहीं है, ये कब जुड़ेगी यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तब जुड़ेगी ये दो एक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होगी तो जुड़ेगी, यहाँ एक्स की घात दो तो जुड़ सकती है, वाई की घात दो है वाई की घात दो जुड़ सकती है देखो, ठीक है। यानी बीजीय संख्या जुड़ने ये नियम होता है उनकी आधार और घातें पूरी समान होनी चाहिए जब तब जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी देखो, तो यहाँ रूट तीन एक्स को बाहर रख दिया है और उत्तर आ गया एक्स प्लस वाई। आगे और देखते हैं देखो आगे क्या दिया गया तीन रूट एक्स और उसके बाद में आ गए चार तीन रूट तीन प्लस चार रूट तीन, तो यहाँ आपको जाने के यहाँ रूट में संख्या क्या दी है समान दी गई है जुड़ सकते हैं देखो और आपको जाने चार में तीन जुड़ सकते हैं तो मान क्या आ जाएगा देखो सात रूट तीन, ये देखो इसका उत्तर आ गया सात रूट तीन आ गया, इस प्रकार आप कर सकते हो आराम से देखो, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप आराम से कर सकते हो। आगे कुछ एक दो और करते हैं देखो हम पंद्रह नंबर पांच रूट वाई माइनस चार रूट वाई प्लस आठ रूट वाई
उसके बाद में आगे प्लस 20 रूट वाई, ये दिया गया है। यहां देख सकते हैं, देखो रूट वाई रूट वाई रूट वाई रूट वाई, सब में रूट वाई दिया गया है, तो इनके गुणांक जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ेंगे, ये देखो 20 28 हो गए, 28 और 5 कितने 33 हो गए, 4 घटाया मान आ गया 29 रूट वाई। इस प्रकार सकते हैं, इस प्रकार आगे देखो 16 नंबर क्या दे रखा है, 16 नंबर में है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 7y प्लस 5x। आपके सामने ऐसा कुछ प्रश्न आया, रूट में संख्या नहीं दी गई है, तो कि संख्या कौन कौन सी जुड़ेगी, देखो ये देखो 3x जुड़ेगी 5x में जुड़ेगी, तो मान आ जाएगा 8x, ठीक है। 4y जुड़ेगी 7y में, तो मान आ जाएगा 11y आ जाएगा। इस प्रकार आपको संख्या को जोड़ना है, बीजीय संख्या को जोड़ना, ये नियम यही होता है कि उनकी आधार और घाते क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और बाद में गुणांक जुड़ जाएंगे उनके, ठीक है। यहाँ देखो x की घात एक है, यहाँ x की घात एक है, यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात, इसको आधार इसको घात, दोनों में आधार घात समान है, तो मान आ गया 5 3 8 एक्स आ गया। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ आधार वाई है, इसकी घात एक है, यहाँ भी आधार वाई है, घात एक है, तो मान क्या आ जाएगा, देखो आधार घात समान जुड़ेंगे तो मान आ जाएगा 11y आ जाएगा। अब 11y की घात एक लिखें तो ठीक है, 11y लिखें तो दोनों सही है। देखो 17 नंबर 3√4, ठीक है, और बाद में प्लस 5√4, उसके बाद में 10√4, उसके बाद में 3√4, ये संख्या आपके सामने दी गई है, ठीक है। यहाँ एक माइनस के लिए माइनस का 3√4। अब इसमें देखो √4 दिया गया है, तो आप इनको जोड़ भी सकते हो, आपस में घटा भी सकते हो। ये देखो 10 और 5 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए, 18 में से घटाया 3 तो क्या बचेगा, देखो 15√4 बचेगा। अब √4 का मान क्या होता है, देखो √4 का मान होता है 2, तो मान आ जाएगा 15 × 2, मान क्या आ गया, देखो 30 आ गया। इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा, 30 होगा। देखो अब √4 क्या होता है, √4 दो मान ऐसे होता है, देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो मान क्या होता है 4, इसलिए √4 का मान क्या होगा, चार वर्गमूल क्या होगा 4 का 2 हो जाएगा। देखो उसी प्रकार देखो 3 को 3 से गुणा 9 करते हैं तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या आ जाता है, क्या आ गया 3 आ गया। देखो ये वर्गमूल है इसका √4 का, यानी अर्थ है इसका 4 का वर्गमूल ये 2 आएगा। देखो इसके बाद में आगे 18 नंबर में लिखा है 8√5 माइनस 4√5 प्लस 3√6, ये दिया जाए तो कैसे करेंगे, देखो इनको इसमें यहां देखो रूट है, √5 संख्या समान है, इन दोनों का घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो, तो यहाँ 8 में से घटाया 4, ये आ गया 4√5 आ गया है। और ये देखो संख्या अलग है, इसमें √6 है तो ये इसमें नहीं जुड़ेगी, यहाँ इसका मान आ जाएगा प्लस में रख दो 3√6। क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि रूट में संख्या समान नहीं है। देखो ये √5 ये दोनों में समान संख्या, ये जुड़ भी सकती है घट भी सकती है, माइनस 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 − 4 = 5 बच गया है, और ये आगे अपनी जगह रख दो। 19 नंबर आगे 19 नंबर में 20√6, ठीक है, −4√6, उसके बाद में √3 आ गया। देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो ये अपनी जगह आ जाएगा 20√6, तो यहाँ क्या होगा, देखो ये गुणा होंगे, बीच में गुणा का चिन्ह आ गया, तो पहले घटने काम बाद में करोगे पहले गुणा करोगे, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, देखो उत्तर आ जाएगा 12, और √6 कितना होते हैं, देखो 6 होते हैं, तो मान क्या आ जाएगा, देखो 20√6 और माइनस क्या आ जाएगा 72। ये क्या, देखो इसका आंसर है, कॉमन भी ले सकते हैं, हल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक किया तो ही सही है। देखो यहाँ क्या क्या, देखो पहले आपको इसमें घटाना नहीं है, 16√6 एक बार नहीं लिखना है, पहले क्या करना होगा, इनको आपस में करो गुणा, तो गुणा करने में क्या आएगा, देखो 4 को 3 से गुणा किया 12, √6 बन जाएगा, तो ये हो गया 72, तो मान आ जाएगा 20√6 − 72। अब इसमें से नहीं घटेगा, ये इसमें से ये नहीं घटाना है, घटेगा नहीं ये। अब इसके बाद में आगे 20 आ गया है, √x/√y, अब ये संख्या आ गई है, इसमें देखो रूट में संख्या क्या है, समान नहीं है, इसलिए भाग नहीं जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर जैसा है वैसा रख दो, इसका उत्तर आ जाएगा, देखो √x/√y, ये भी सही है। अगर ऐसा लिख देते हैं इस पर दोनों के रूट लगा दो, दोनों उत्तर भी क्या है, सही है, इसका उत्तर यही आएगा, आगे इसका हल नहीं करेंगे। 21 नंबर 21 में लिखा है √x भाग
दो रूट एक्स, यहां मान आ जाएगा रूट एक्स बट्टे दो रूट एक्स आ जाएगा। यहां देखो एक्स रूट एक्स है कट जाएगा, उतर आ जाएगा इसका एक बट्टा दो, नहीं दो दो नहीं उतर आएगा, इसका उतर आएगा एक बट्टे दो आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी वर्गमूल संबंधित समस्या है वो समस्या हमने यहां हल कर ली है, ठीक है। और इसका वीडियो को आपको एक बार जरूर दोबारा देखना चाहिए ताकि जो भी समस्या आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, कोई भी समस्या आ जाए, रूट संबंधित वर्गमूल संबंधित समस्या आ जाए, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।